इस तरह यहाँ पे आके पाकिस्तान से जब कुछ चीज आती है तो वो बड़ी खुशी होती है। वाली वाह, तो बड़ी गेम हो गई थी मेरे साथ। मैंने चंदा साहब ये आई है, ऊपर लिखा हुआ लव लेटर, और मुझे भी अपने साथ ले जाओ शापर में डाल के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने कुछ दो ये छोटे से डिब्बे पड़े हुए हैं पार्सल, और मुझे नहीं पता कि इनमें क्या है। घर से ये चीज़ें पाकिस्तान से मेरे पास पहुँची हैं, घर वालों ने भेजी हैं, कहते ये आपके लिए गिफ्ट है। अब वो बंदा कोई वहाँ से पाकिस्तान से आ रहा होगा तो उनको दे रही हैं, तो उसने मेरे से रब्ता करके तो वो मुझे कहा जी ये कुछ चीज़ें हैं जो घर वालों ने आपके लिए भेजी हैं। तो मैंने कहा भी मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन चले खैर रिसीव कर ली और करके फिर मैंने फर्स्ट ऑफ घर कॉल की। मैंने पूछा कि ये क्या भेजा आपने, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसको खोलना नहीं है, जब तक आप घर जाके इनको अनबॉक्सिंग करना है अपनी वीडियो के आगे बैठ कर, यानी कि अपने एक चैनल में बैठ के इनको अनबॉक्सिंग करना। तो मैं तो बड़ा खुशी भी हो रही है भी चले पता क्या भेजा घर से। एक वो होता है ना, जैसे कोई उधर से पाकिस्तान से कुछ चीज़ आती है, जैसे हम पाकिस्तान होते तो बाहर से कोई चीज़ आती है तो हमें खुशी होती है कि बाहर से किसी ने पार्सल या कोई आइटम भेजी है। इस तरह यहाँ पे आके पाकिस्तान से जब कोई चीज़ आती है तो वो बड़ी खुशी होती है। लोग यहाँ पे बताते हैं दोस्त के जी वो हमारे इधर कुछ आता है ना पाकिस्तान से, कोई भी आता है तो हम उससे कुछ साग मंगवा लेते हैं फ्रीज करवा कर, या कभी कोई पंजीरियाँ मंगवाते हैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है, या देसी घी मंगवा लिया, या घर का बना हुआ जैसे कोई हलवा या कोई गजरेला उनको फ्रीज करके ले आता है बंदा। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान से आती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ये तो कुछ मतलब कि हल्का फुल्का कोई ऐसी फ्रीज वाली चीज़ है। उनको पता कि मैं ये चीज़ें जो घर से जो हलवे पंजीरियाँ ये बोले ना, मैं इस तरह की चीज़ें ना ज़्यादा शौक से नहीं खाता। मैं घर में हूँ तो बनी हो तो खा लेता हूँ, लेकिन नॉर्मल नहीं मैं खाता। तो वो मुझे ना जो ये पार्सल देकर बड़ी है, तो खैर घर वालों को फ़ोन किया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप बैठें और जाके अपने चैनल में जाके इस चीज़ों को अनबॉक्सिंग करना आपने। तो मैं अब इन चीज़ों को करने लगा हूँ अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। सरप्राइज भी कह रही थी और क्या ये चीज़ें क्या आई हैं। वाह लें जी, ये तो है माइक। वाह अच्छा, ये देखें जी, ये इन्होंने मुझे माइक भेज दिया। जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरी आवाज़ का इशू है, तो उनको देखें कितना ख्याल है कि मेरे लिए ना इन्होंने जनाब माइक भेज दिया बस। अच्छा जी चलें, ये तो अच्छा हो गया, ये तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। अब मेरा आवाज़ का जो प्रॉब्लम है ना, जो अक्सर बात रिकॉर्डिंग में आ रही होती है, वो इसकी ना होने की वजह से होती है, क्योंकि मोबाइल खाली जो है ना वो आवाज़ आपको पता है कि कैच करता है दोस्तों। तो अब ये आ गया है तो मुझे चलें थैंक यू घर वालों को, मैं थैंक यू कर रहा हूँ कि मुझे ये भेजा। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए था। अब उनको पता चल गया अभी इनको ये चीज़ ज़रूरत है और वो उन्होंने मुझे भेज दिया। चलें इसको अब यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या हो सकता है उसको देखना पड़ेगा। इसको भी कैसे खोलते हैं, पैक चेक करके भेजा भाई। परफ्यूम वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि लग रहा है ना कुछ आइटम है कुछ। चलें इसको भी खोलते हैं, अब क्या हो सकता है। ये तो हेडफोन है, ये मैंने क्या करना है, एयरपोर्ट यूज़ करता हूँ यार मैं। ये क्या भेज दिया आपने, ये क्यों भेजा, गलती तो नहीं भेज दिया। ये तो मैं चाहिए, ये तो ओके है, लेकिन ये इसकी समझ नहीं आ रही। चलें खोलते हैं। अच्छा वाह जी वाह, नहीं जी ये डिब्बा इसका है लेकिन इसके अंदर तो चॉकलेट। हाँ वेरी गुड, चॉकलेट चॉकलेट। ये क्या भेज दिया इन्होंने भाई, सब ने कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं भाई, इस दौर में भी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। 1, 2, 3, 4 and 5 चिट्ठियाँ। अच्छा ये 5 चिट्ठियाँ, इन चिट्ठियों में भाई लिखा गया है। अच्छा जी ये जनाब आया है, डियर डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड, रमज़ान मुबारक। उन्होंने कहा जी पहला रमज़ान जो है ना, हीरा ने कहा कि जो पहला रमज़ान है आपके बगैर हमें बहुत मिस कर रहे हैं आप। थैंक यू बेटा, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ, मिस यू हीरा, क्योंकि मेरा भी रमज़ान यहाँ पे पहला रमज़ान है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हीरा की तरफ से एक लेटर मिला है। तो अब दूसरा देखते हैं। वाजी वाह, तो बड़ी गेम हो गई भी मेरे साथ। मैंने चंदा साहब ये आई है, ये तो लाइक है और ये तो दिल की बातें हैं। अच्छा जी दूसरा आ गया, डैडी आई लव यू कम बैक होम। ये आया किसकी तरफ से है ये कोई पता नहीं, ये तो कम बैक होम है ना, ये एक ही बंदा कर सकता है।
ये राबिया हो सकती है, राबिया, ये राबिया की लिखाई ऐसी कुछ क्योंकि मैं आऊँगा इंशाल्लाह, आप दुआ करें सेटिंग हो जाए तो फिर मैं ज़रा बेहतरीन करके फिर मैं आऊँगा, मुलाकात होगी आपसे। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं तो आपके पास ही हूँ, आपसे मेरी वीडियो के थ्रू अपना बात हो जाती है और कभी एक बार हमारी जो इसे मोबाइल से भी बात हो जाती है तो कोई इशू तो नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो तो बनी रही है, तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपकी वीडियो देख लेता हूँ और रब्ता तो हमारा है। और बाकी टाइमिंग का इशू है कि जिस टाइम मैं थोड़ा फ्री होता हूँ उस टाइम आप यूनिवर्सिटी होते हो, तो जब आप फ्री होते हो उस टाइम मैं सोया होता हूँ, मैं फ्री होता हूँ तो आप सोए होते हैं, तो इस तरह की रूटीन थोड़ी रहेगी तो, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात का फ़र्क है। थैंक यू रबिया, थैंक यू। लो जी आगे आ गया। अच्छा जी मिसिज फैसल की तरफ से भी लेटर आ गया जी, वाह जी वाह, मिसिज ने भी लेटर लिख दिया साथ बैठ के, ऊपर लिखा हुआ लव लेटर। लो जी मिसिज की तरफ से लव लेटर आ गया। अच्छा अब लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पहले मुस्कुराना है, तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मोर लव। अच्छा जी ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें, कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार एक्सेप्ट करें। ओके लो जी ये मेरी मिसी ने लिखा है और मिसी ने भी लेटर में ना लव यू कह दिया और कहा कि कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार जो है एक्सेप्ट करें। ओके एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो है ना ये मिसी ने भेजा है, तो थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि घर वालों ने जो है ना मुझे ये मेरी मिसी ने स्पेशली ये लेटर लिखा, ये मैं राज की बात है। वो एक लंबा सा लेटर भी आ गया, टू माई डैड कुकी, ये मेरा जैनब का लेटर है जिसे मैं कुकी कहता हूँ। कुकी कह रहा है कि आई मिस यू कुकी, हम दोनों एक दूसरे कुकी कहते हैं। उसने लिखा कि आई मिस यू सो मच, आई लाइक वेरी वेरी मच, बेस्ट कुकी से आ जाओ पाक। अच्छा वो कह रही कि जल्दी से कुकी पाकिस्तान आ जाओ। अच्छा जी मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ओह वो कह रहा है कि पाकिस्तान आओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ, शापर में डाल के, डब्बे में डाल के या किसी बैग में डाल के। आई नो आपका दिल नहीं लग रहा होगा बिकॉज आपकी प्यारी बेटी के बिना, तो सही बात है कि मेरा दिल तो नहीं लग रहा मेरे कुकी के बिना, मेरे मुझे कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार है कि उससे मैं लाड़ भी करता हूँ, हमारा आपस में बड़ा वो होता है, सबसे प्यार करता हूँ लेकिन इसका थोड़ा सा वो छोटी ना तो लाड़ ज़्यादा ज़्यादा है, तो ये इसने लिखा हुआ है कि आपका दिल नहीं लग रहा होगा, तो ये सही डरा रही है। आपके साथ नहीं हूँ तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि आप आएँ और मुझे ले जाएँ, कि आपके साथ मैं नहीं हूँ ना तो आपको इसलिए मिस हो रही हूँ और मैं भी मिस कर रही हूँ आप भी मिस कर रहे हैं, तो लिहाजा मुझे आगे ले जाएं। बात समझ रहे हैं ना क्या कह रही है, पीछे लिखा हुआ। अच्छा ये पीछे की तरफ घुमा दिया इसने, मच माई फेवरेट आर द बेस्ट फादर, लव यू छोटू मोटू स्वीटू डैड। वो छोटू और मोटू स्वीटू, मैं छोटू तो नहीं हूँ भाई, मोटू भी नहीं हूँ, स्वीट हो सकता हूँ डैड। थैंक यू कुकी, थैंक यू जैनब, लव यू। अब आ गया एक और खत है भाई। अच्छा जी ये आया है फातिमा की तरफ से, ये असल में थोड़ा आगे पीछे हो गए। अच्छा डियर पापा इट्स मी फातिमा फैसल, ओके एंड ऑल मिस यू अलॉट, विदाउट यू हम आपको मिस कर रहे हैं, विदाउट यू कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आप नहीं हैं और हमारा रमजान भी जो है ना आपके बगैर अच्छा नहीं गुजर रहा, सारे घर वाले भी थोड़ा सा बीमार हो गए, थोड़ा सा वो ज़ार एक चीज़ होती है घर में एक बंदे का, वो तो वो बड़ा अपना ना वो कर रही है, मिसिंग मिस कर रही है कि मुझे मैं नहीं हूँ घर में, कम बैक सून लव यू पापा जी। वो थैंक यू फातिमा, थैंक यू। कम बैक तो सारे कह रहे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा भी ना आओ, तो मतलब सारे बुलवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फातिमा बच्चों सब इंशाल्लाह ये देखना, ये बच्चों ने देखा लेटर लिख लेके भेजे हैं और ये सारा गिफ्ट भेजा है, मुझे तो इसका आइडिया नहीं था कि क्या भेज दिया है, तो मैं आई एम सो हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे ना पाकिस्तान से किसी ने कुछ चीज़ भेजी है। आप देखें कि मोबाइल का दौर भी है, लोग मैसेज करते हैं SMS करते हैं और सारा वो आपको पता है कि जो रूटीन है कि कॉल भी हो जाती है सारा कुछ, लेकिन इनकी वैल्यू कुछ अलग सी होती है। तो बच्चों ने मुझे लेटर लिखा तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मुझे ना ये चीज़ें बच्चों ने जो है ना वो लेटर में लिखे भेजी, और मुझे लगा कि एक दौर था हमारे दौर में ये चीज़ें तो थी, लेकिन अभी तो ये मोबाइल आ गया सारा कुछ आ गया, तो ये चीज़ें तो पहले हुआ करती थी, तो लेटर की वैल्यू होती है, लेकिन जो लेटर आपके बच्चे इस दौर में भी
अपने वालदैन को लीजिए, तो वो कितना मिस करते होंगे, कितना वो प्यार करते होंगे, उनके दिल में कितना कितनी मोहब्बत है। तो मेरे दिल में भी इनसे मोहब्बत से, इनकी मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है मेरे दिल में। लेकिन मैंने उनको एक चीज़ बस वो इतना स्टैंड किया कि कभी इंसान मूव कर जाता है, चला जाता है कहीं पे दूसरों मुल्कों में, क्योंकि मेरा बिज़नेस का जो सिस्टम है वो है इस तरह का है कि मुझे थोड़ा अब मूव करते ही रहना है मुझे, तो वो अब तो आगे सिस्टम जाएगा। लेकिन उनको इतना स्टैंड कर दिया, इतना उनको मजबूत कर दिया कि वो ऐसा कोई उनको इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, हर चीज़ उनकी सेटल कर दी। तो ये टाइम था, बहुत टाइम से मैं इसके इनके लिए ये काम कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कामयाब हुआ, तो फिर मुझे निकलना होगा, वरना मैं कितने सालों से जो है ना वो बाहर नहीं गया। कोरोना से पहले एक दफ़ा चक्कर लगा था, लेकिन वो 15-20 दिन के बाद वापस आ गया था, उसके बाद फिर गया ही नहीं। तो अब चूँकि निकला हूँ तो अब थोड़ा लंबा टाइम है, तो मतलब कि अभी उसमें ये है कि ज़रा बच्चों को वो थोड़ी सी मिसिंग तो हो रही है कि एकदम से अचानक से और ये चले जाना, ऊपर से घर से इकरा अपी भी चली गई, पापा भी चले गए, तो वो तो खैर आ जाती है, मेरा ज़रा आना जाना ज़रा मुश्किल है। चलें, मुझे अब इतनी बातें, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बड़ा जुड़ा हूँ, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हम फ्रेंड हैं, दोस्त हैं बड़े अच्छे, और मजबूत हमारी बॉन्डिंग है सारे बच्चों के साथ, तो लाड प्यार भी है, हंसते मुस्कराते भी हैं, सारा कुछ है। तो ऑल फैमिली जो हमें देख रही है, मुझे देखती हैं, जो मेरे बच्चों के चैनल देखती हैं, सब के साथ आप सब लोग भी हमारी फैमिली, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा एक दूसरे से बड़ा ही मोहब्बत है, हमें एक दूसरे की जो दुआएँ आप हमारे लिए करते हैं वो यकीनन आपको नहीं पता कि हम लोग भी आपके लिए करते हैं। तो ये चीज़ें सारी, ऐसा दुनिया का एक निज़ाम है, ये वक्त तो चलते जाना है, इंसान आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम तो चलते ही रहना, तो मूवमेंट तो रहती है इंसानों की। तो मुझे अब इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, डॉक्टर फैसल को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, और घर वालों को खुसूसी तौर पर सल्यूट सबको, और सबको प्यार, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।